वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। आई एम रश्मि बोरा। आज मैं आपको टुडे आई एम गिविंग यू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द बार काउंसिल ऑफ यूपी, यानी कि एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश द्वारा जो एक फॉर्म जारी किया गया है उनके प्लेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्लेस, यानी कि कहाँ वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उनका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, उसके लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा एक फॉर्म जारी किया गया है, ताकि इससे ये पता चल सके कि जिस जिस के लिए किस किस के लिए जरूरी है, कि कौन कौन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं और किन किन का वैलिडिटी जो है प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट की, जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है एडवोकेट्स को, वो उसकी वैलिडिटी जिनकी खत्म हो रही है या फिर जिनकी एक डेट एक्सपायर हो चुकी है ऑलरेडी, तो उनके लिए एक नया फॉर्म, रिन्यूअल फॉर्म इशू किया गया है। ये यूपी की बार काउंसिल की साइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। ये फॉर्म कौन कौन फिल कर सकते हैं, इसकी डेट क्या है और ये कहाँ से अवेलेबल होगा, इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, इसकी फीस भी है एक्चुअली, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ। बहुत जल्दी से जरा ध्यान से सुनिएगा, जिन जिन का सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही है वो एडवोकेट जरा ध्यान से सुने। देखिए, इसी संडे यानी कि कल जो है यूपी बार काउंसिल द्वारा एक फॉर्म इशू किया गया है, जारी किया गया है, जो कि यूपी बार काउंसिल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें ये कहा गया है, उन्होंने एक फॉर्म इशू किया है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए, जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्म जारी किया गया है, बीसीआई सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के नाम से, वेरिफिकेशन नियम 2015 के अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जारी करने के लिए ये फॉर्म जारी किया गया है, ठीक है भाई। जिनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए या जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है और जिनका ऑलरेडी खत्म हो चुकी है उनके लिए, तो ये आई कहाँ से थी, ये क्या हुआ था एक्चुअली, ये सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो वेरिफिकेशन नियम 2015 है उसके फैसले को वैधता को सही ठहराया है और निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि फर्जी वकीलों की छटाई जल्दी से जल्दी की जाए। देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि फर्जी वकील जितने भी ज्यादा हैं उनकी छटाई की जाए, इस वजह से ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू किया जा रहा है वैलिडिटी की वजह से भी, ठीक है। और ये फॉर्म आप किस किस को भरना है ये ध्यान से सुन लीजिए, और ये फॉर्म ऑलरेडी जिनको इशू हो चुका है, जो जिनके पास पहले से है, यानी कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जिनके पास है या जिनकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, एक्सपायर हो गई है या होने वाली है, यह साल यह रूल जो है नियम बीसीआई द्वारा लागू किया गया है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह रूल लागू किया है। अब इसकी फीस बता देती हूँ, वो ध्यान से सुन लीजिए, इसकी फीस है ₹500 जो कि आपको कैश ही डिपॉजिट करनी है, ठीक है। अब इसमें फॉर्म भरना कैसे है, किसे भरना है, देखिए फॉर्म भरने के लिए जो जो एडवोकेट्स हैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, उन्हें ये फॉर्म फिल करना है, और आपने फॉर्म को फिल करके पहले आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे यूपी बार काउंसिल की वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं अभी आपको दे रही हूँ, वहां से आप डाउनलोड करिए। उसमें लिखा है रिन्यूअल या नवीनीकरण फॉर्म है ये, ठीक है, तो उसके वो फॉर्म डाउनलोड करके आप फिल कीजिए। उसके बाद आप अपने बार एसोसिएशन जो है, जिस भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस करें उसके बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं या सचिव हैं, ठीक है, चेयरमैन या सचिव जो है एग्जीक्यूटिव हैं, उनको उनसे आप अटेस्ट करवाएंगे, ये बार काउंसिल के सचिव या अध्यक्ष के द्वारा अटेस्ट करवा के फिर आप यूपी के बार काउंसिल ऑफ यूपी प्रयागराज के अंदर आपका ये डिपॉजिट होगा। और जो आवेदक अधिवक्ता है, किसी भी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वो सदस्य नहीं है, यानी कि किसी ने भी उन्होंने किसी भी बार एसोसिएशन की अगर मेंबरशिप नहीं ले रखी है तो उसका आप रीजन लिखेंगे कि आपने क्यों नहीं ले रखी मेंबरशिप, ठीक है। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने हैं वो भी ध्यान से सुन लीजिए। रिन्यूअल फॉर्म के साथ जो कोई भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है, जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास प्रैक्टिस करें तो आपके पास कोई एफिडेविट होगा, कोई सेल डीड होगी, कोई भी आपके पास केस स्टेटस होगा, आपका कॉज लिस्ट होगी, वकालतनामा तो होगा ही आपका, वो लगा सकते हो, ऑर्डर हो, कोई नोटरी का लेटर हो, ओथ कमिश्नर का आपके पास नियुक्ति पत्र हो, सेल डीड हो, या कोई रजिस्ट्री हो, कोई और एफिडेविट हो, कोई जजमेंट आई हो आपके केस में, आपके केस से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो वो आप लगा सकते हैं। और जो टैक्सेशन के प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी बोला गया है कि वो कोई ऐसा प्रमाण पत्र या ऐसा सर्टिफिकेट लगाएंगे जिससे ये स्पष्ट हो सके कि अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स लॉ का काम कर रहे हैं, वो लॉ टैक्सेशन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इन सबकी या किसी एक की, मतलब इनमें से किसी की भी आप फोटोकॉपी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि ओरिजिनल लगाना है, इसमें आपने अपनी किसी भी डॉक्यूमेंट की, जो भी मैंने आपको अभी लिस्ट बताई है उनमें से किसी की भी आप फोटोकॉपी अटैच करेंगे, साथ में लगाएंगे, ठीक है। और ये जो है पिछले 4 साल के जो होंगे आपके डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रमाण पत्र जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई है, एफिडेविट या सेल डीड या वकालतनामा, कॉज लिस्ट, केस स्टेटस,
ठीक है, कोई भी रजिस्ट्री जिसमें आपका नाम लिखा है, आप प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, आपकी स्टैंप लगी हुई है, ये जो है आप पिछले 4 साल 2018 19 21 और 22 इन 4 सालों में से ही के ही होने चाहिए, ठीक है, उसके अलावा नहीं। और 2020 का जो है वो कोविड की वजह से उसकी छूट दी गई है, तो 2018 19 21 और 22 इन 4 सालों के में से ही कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए आपके बार काउंसिल के अध्यक्ष या सचिव के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कौन से ईयर के लगाने हैं। उसके बाद पिछले 5 साल में, अगर पिछले 5 साल में आपके ऊपर कोई मुकदमा या कोई केस हुआ है तो फिर आपको उसके बारे में भी बताना है, और उसका अभी तक क्या स्टेटस चल रहा है उस केस का, ये भी आपको जरूर बताना है, ठीक है। अब जो आपने फॉर्म की फोटोकॉपी भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है ओरिजिनल हो, फॉर्म की फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं आप इसके अंदर, और ये एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है, मान्य है। और ये बीसीआई ऑफ यूपी की, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है, उसका मैं नाम बता रही हूँ, www.upbarcouncil.com। इस साइट पर आपको सर्टिफिकेट और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस जो है रिन्यूअल फॉर्म आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी सारी आज की इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या क्या करना है, बीसीआई ने सर्टिफिकेट बार काउंसिल का और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश के एडवोकेट्स के लिए इशू किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ना समझ आया हो मेरा वीडियो दोबारा देख लीजिए, आधी बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक दे दूंगी वेबसाइट का, ताकि आप फॉर्म डाउनलोड कर सके और सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई क्या क्या अटैच करना है उसके साथ में, तो ध्यान से भरिएगा। ऑल द बेस्ट, अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पाइए, जल्दी से जल्दी रिन्यू करवाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।